अनंत चतुर्दशी के मौके पर जहां एक ओर लोगों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश को विदाई दी गई, तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में यह दिन मातम के रूप में तब्दील हो गया, जहां गणेश विसर्जन करने गए 12 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद भोपाल का माहौल गमगीन हो गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक नाव में सवार कुछ लोग तालाब में भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित कर रहे हैं। मूर्ति काफी बड़ी है, इसी कारण मूर्ति जब पानी में गिरी तो नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा भोपाल में खटलापुर घाट का है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त नाव में करीब 18 लोग सवार थे, जिनमें से 6 को तो बचा लिया गया, लेकिन 12 की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों के नाम परवेश खान, रोहित मौर्य, करण, हर्ष, सनी ठाकरे, राहुल वर्मा, विक्की विशाल, अर्जुन शर्मा, राहुल मिश्रा और करण पिता पन्ना लाल बताए जा रहे हैं। गणपति विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे में नाव चलाने वाले आकाश बाथम और चंगू बाथम के खिलाफ जहांगीराबाद में केस दर्ज किया गया है। वहीं इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11-11 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।